बिहार में हम लोग 400 का 400 सीट देने के लिए हम लोग वादा कर रहे हैं, और इसी में सब कोई हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में लड़े हुए हैं। अनुरोध करना चाहेंगे कि जो आज अध्यक्षता संजीव पासवान जी कर रहे हैं और भुवनेश्वर पासवान जी संचालन कर रहे हैं, और चिराग जी माननीय सांसद राजनीय अध्यक्ष आए हुए हैं, श्रीमती रानी चौधरी जी यहाँ पर हैं। आप लोगों से यही अनुरोध करना है कि ये जो चुनाव है, ये राष्ट्रीय हमारे जो नेता हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका चुनाव है। अब की बात 400 पार का नारा दिया गया है, और बिहार में हम लोग 400 का 400 सीट देने के लिए हम लोग वादा कर रहे हैं, और इसी में सब कोई हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में लड़े हुए हैं। देखिए, 4 का एक बहुत बड़ा संयोग बना है, 400 पार की बात कही गई है, 40 सीट लेने की बात की गई है, और 4 जून को रिजल्ट होने वाला है, और ईवीएम में 4 सीरियल पर ही कड़ाई छाप है, इसलिए 4 को कड़ाई छाप पर मानना चाहिए। कड़ाई छाप पर ही है, दीजिएगा वोट तो कमल को मिलेगा, कड़ाई छाप पर वोट दीजिएगा तो वो वोट दीजिएगा तो तीन को मिलेगा, कड़ाई छाप पर दीजिएगा तो सरेंडर को मिलेगा। कहने का मतलब यहाँ का पांचों जो हम लोग साथी हैं उसका सिंबल कड़ाई है, इसलिए 19 तारीख को कड़ाई छाप पर वोट दीजिए, नरेंद्र मोदी जी को और नीतीश कुमार जी को हाथों को मजबूत कीजिए, और फिर जैसा कि मुकेश जी ने कहा, बिहार का भविष्य चिराग साहब है, केंद्र में जा करके हम लोग परिस्थितियां बनावेंगे कि बिहार का अगला भविष्य चिराग साहब है। कि हमारा फलना जात है नहीं, हम लोग सब एक हो करके बिहार को और हम लोग का भविष्य को देख करके 19 तारीख को आप वोट करेंगे। यही जनसभा के साथ हम चिराग पासवान जी से अनुरोध करेंगे कि आप इस सभा को संबोधित करेंगे।